आठवीं गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो दूसरा चैप्टर है, वो शुरू करेंगे। तो पहले हम चैप्टर के नाम से ही देखते हैं, इसमें चर शब्द है। चर का मतलब है अज्ञात राशि, अज्ञात राशि। जैसे X, Y, Z, K, ख आदि, जो भी अज्ञात राशि हम ले वो सभी इसमें आएंगे, अज्ञात राशि। रैखिक, रैखिक का मतलब है, रैखिक का मतलब है एक घात वाले, जिनकी पावर एक हो, जिनकी शक्ति एक हो। इसके बाद है समीकरण। समीकरण का अर्थ है जिनके बीच में, दो राशियों के बीच में, दो बहुपदों के बीच में, जिनके बीच में इक्वल टू का निशान हो। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया कि आज हमने ये काम करने हैं, जो एक चर वाली रैखिक समीकरण है उनको सरल करना है। एक चर का मतलब आप समझ गए, रैखिक का मतलब आप समझ गए, समीकरण का मतलब आप समझ गए। तो इसमें अब जैसे हम सवाल करें, तो सवाल के लिए मान लिया मैं एक चर वाली एक रैखिक समीकरण लिख रहा हूं, एक्स जमा 2 बराबर 6। हमने इस समीकरण को सरल करना है। इसको सरल कैसे करें? सरल का अर्थ है कि जो चर राशि उसमें दी गई है, उस चर राशि का मान ज्ञात कर लें। और मान ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे? हम चर राशि को एक तरफ रखेंगे और जितनी भी अचर राशि या अन्य राशि हैं, उनको बराबर है से दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी राशि बराबर है के ऊपर से एक बार इधर से उधर या उधर से इधर ले जाते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जमा वाली घटा बन जाएगी, घटा वाली जमा बन जाएगी, गुणा वाली भाग बन जाएगी, और भाग वाली जो है वो गुणा बन जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम इस समीकरण को सरल करेंगे। जैसे सबसे पहला काम हम यहां क्या करें कि 2 को, चर को एक तरफ रखें, बाकी दूसरी तरफ ले जाएं। तो 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहां 2 हमारा जमा का है, वो उधर जाके घटा का होगा, और यहां बच जाएगा केवल हमारे पास एक्स। एक्स बराबर है 6 घटा 2, और एक्स आ गया हमारे पास अब 6 में से 2 घटे 4। ये आ गया हमारी चर राशि का मान। और यही हमने करना था समीकरण सरल करने में, कि चर राशि का मान निकालना था। इसका मतलब ये इसका आ गया आंसर। तो ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, सभी बच्चे बड़े ध्यान से इसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा एक और उदाहरण लें हम। जैसे अगर हमारे पास, मान लिया कई बार भिन्न आ जाएं, जैसे एक्स या वाई ले लें हम, मान लिया आपकी बार वाई ले लिया, वाई जमा 2/7 बराबर हम ले लिया, यहां हमने 9/7। इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए भी तरीका वही रहेगा कि हम इस चर राशि को दूसरी तरफ ले जाएं। यहां है y बराबर 9/7 घटा 2/7। जब अटे बटे की संख्या है तो हमें उसका लघुतम लेना पड़ेगा, लघुतम आ गया 7।
यहां हमारे पास आया 9 घटा 2, ये आ गया 7/7, 7 से 7 कट गया और ये चीज आ गई हमारे पास 1। तो इसका मतलब है y हमारा आ गया 1, इसका आंसर। तो इसमें हमें कोई भी ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है, ये बड़े ही आसान हैं और इनको देखते हुए आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी सवाल हैं, 12 सवाल हैं उसमें, वो सभी 12 सवाल हम बड़ी ही आसानी से आज सरल कर सकते हैं। उसके लिए हम और एक एग्जांपल ले लें, एक छोटा सा। हमने ले लिया, मान लिया 4x + 5 या घटा 5 ले लें, 4x + 5 = 11। इसको हम सरल करने लगे तो इसको कैसे सरल करेंगे, हमने वही काम करना है। पहले 4x को एक तरफ रखेंगे, बाकी 5 को जो यहां घटा का था, माइनस का था, उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 11 + 5, हमारे पास आ जाएगा 4x = 16। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि हमने केवल x को एक तरफ रखना है, बाकी सभी चीजें दूसरी तरफ ले जानी है, तो यह 4 जो है वो इस x के गुणा में है। इस 4 को भी हम परली तरफ ले जाएं तो ये यहां केवल x रह जाएगा, ये जो गुणा में था वो परली तरफ जाके भाग में आ जाएगा। तो इसको हम 16/4। अब इसको हम काट सकते हैं, यदि ये कटते हैं तो इनको काट देंगे, 4 से कटते हैं, 4 × 1 = 4 और 4 × 16, हमारे पास आ गया 4/1। बटे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सभी संख्याओं के बटे में 1 तो होता ही है, तो इसको हम लिखेंगे = 4। तो आंसर आया हमारा x = 4। इतने सरल काम है ये जिसे हमने आज करना है, अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कॉपी में करना है और सभी बच्चों ने करना है, बहुत सुंदर सुंदर और साफ साफ डेट डाल के करना है। और आज हमने 2.1 की, अगली क्लास में हम इससे आगे 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।